चित्रकूट। जी महाराज। अपने सिस्टम में चेक करो और बताओ कि आज किस किस का पत्ता कटने वाला है। जी महाराज। छगन भाई, चंपा मासी, हंसाबेन और अपने मनसुख लाल। दूध। जी महाराज। आओ, इन सब को जल्दी लेके आओ। महाराज, मुझे काम की वजह से दूर दूर तक जाना पड़ता है। अगर मुझे भी एक वाहन मिल जाता। खामोश। पहले ड्राइविंग लाइसेंस बना ले, बाद में दिला दूंगा। जा। चलो सब के सब, लेने गया था किसी और को और मिल गए कोई और। हाँ देवर है देवा, किसको उठा लाए? किनको उठा लाए हो तुम? ये तो मुझे रास्ते में ही मिल गए, इसलिए सोचा पहले इन्हीं को लेता चलूं। अरे लेकिन पहले उनको लाते हैं जिनकी रिटायरमेंट की उम्र हो चुकी है। ये तो जवान है, देश का भविष्य है, इन पर कितनी सारी जिम्मेदारी थी। महाराज इसमें मेरी गलती नहीं है, ये लोग सब अपनी अपनी गलती की वजह से यहाँ पर आए हैं। वो कैसे है? इसको देखो, ये तो वाहन ऐसे चला रहा था जैसे कि तेज आंधी हो। वाहन इसके वश में ही नहीं था। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पीके टूल था। पीके टूल? अच्छा हुआ इसके साथ, नर्क में डालो और पिला पिला के मारो। चल महाराज, इसको देखो, ये तो ऐसा लग रहा था जैसे सड़क के ऊपर कलाबाजियां खा रहा था। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सड़क पर सर्कस लगा रखी हो। चाहे सुंदर खद्या को प्रभावित करने में लगा था। हाँ, सुंदर कन्या। वाह, करने चले थे प्रभावित, हो गए मृत। आज अगर तुम सर्कस नहीं करते होते तो न जाने कितनों को प्रभावित कर चुके होते। चलो, ये महानुभव तो शॉर्टकट लेने के चक्कर में रॉन्ग साइड से आ रहे थे, फिर कार वाले ने इन्हें कट करके शॉर्ट कर दिया। तुम लोग कब समझोगे? शॉर्टकट के चक्कर में जिंदगी शॉर्ट हो जाती है। पिछले 50 सालों से ट्रैफिक रूल्स बने हैं, पर आज भी भारत में हर साल 120,000 लोग रोड एक्सीडेंट के वजह से असमय ही मौत के मुंह में चले जाते हैं। चल। मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों उठा लाए? मैं तो वाहन नहीं चला रही थी। चुप। मेरी क्या गलती है? इनको तो बड़ी जल्दी थी सड़क पार करने की, बिना देखे सुने दौड़ पड़ी सड़क पार करने, जबकि इनके लिए तो सरकार ने खास श्याम श्वेत चित्र भी बना के रखे है सड़क पर। ये श्याम श्वेत क्या होता है? जिब्रा क्रॉसिंग चित्रगुप्त, जिब्रा क्रॉसिंग। भगवान ने दो आँख, थोड़ा सा दिमाग, गलत चीज देखने और सुनने के लिए नहीं दिए। थोड़ा देख के नहीं चल सकते थे? थोड़ा इंतजार भी नहीं कर सकती थी? ले जाओ इन सबको। इतने सारे लोग एक्सीडेंट की वजह से मर जाते, उनको नीचे जाके ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ बात करनी चाहिए। नहीं महाराज, वो लोग तो अपना काम बड़े ही मुस्तैदी से कर रहे हैं, पर न जाने लोग ही क्यों समझदारी और धैर्यता से काम नहीं लेते और अकस्मात ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हमें लगता है कि इन्हें जागरूक करने की जरूरत है।